हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट नीटिंग में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो, आप इसको दो कलर में भी बना सकते हो, और आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हो। जो थोड़ी थोड़ी ऊन हमारे पास बच जाती है, तो आप इसमें ऐसे कलर अपने च्वाइस के अनुसार जचा जचा के लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन ये लगता है। और आप इसका कार्डिन भी बना सकते हैं, बेबी स्वेटर भी बना सकते हैं, शॉल भी बना सकते हैं। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और ये दिखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन बनाने में तो बहुत ही इजी है। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है। आप इसमें 6 के मल्टीपल में फंदे आप इसमें डाल लीजिए, और एक फंदा आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपका डिजाइन सही से सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कैसे बनाया है, मैं इसी के ऊपर आपको बताऊंगी। ये चार रो मैंने ये डिजाइन बनाने के बाद एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी बना के ये कंप्लीट कर रखी है। तो यहाँ से ऊपर से मैं अपना दूसरा कलर लगाऊंगी। देखिए ये भी मैंने एक लाइट बेस है बिल्कुल। आप नीचे इसका लाइट या ऑफ वाइट में या वाइट में रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, या फिर डार्क रखोगे तो उसके हिसाब से आप इसमें कलर सेट करिएगा। तो देखिए डिजाइन की हमारी चार रो बनाने के बाद ये हम फिफ्थ रो में अपना हम ये कलर इसमें चेंज करते हैं। इसके मैं बाद में यहाँ पे एक नोट लगा दूंगी। देखिए ये हमने फिफ्थ रो बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी बना के इसको हमने कंप्लीट करना है। बॉर्डर के ऊपर आप चार रो एक सीधी उल्टी फिर एक सीधी उल्टी बना के कंप्लीट करके फिफ्थ रो में आप अपना कलर चेंज करके, या आप उसी कलर में भी बना सकते हो, ये उस कलर में भी अच्छा लगेगा। एक रंग का बनाना चाहो तो आप एक रंग का भी बना सकते हो। देखिए फिफ्थ रो हमारी ऐसे ऐसे हमने ऊपर सीधी सीधी बना के कंप्लीट करनी है। ये हमारी रो कंप्लीट हो। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हम ये किनारे वाला फंदा हम सीधा सिंपल बना लेंगे, और ये वाला जो फंदा है इसको हमने 3 बार धागा घुमा के बनाना है। 1, 2 और ये 3, 3 बार हमने इस पे धागा लपेटना है। ये 3, ये हमारे हो गए फंदे 4, और ये हमारे हो गए 5 फंदे हमें ऐसे लपेट के बनाने हैं, 3 बार धागा लपेट के, और इसको हम सिंपल बनाएंगे। फिर से हम 3 बार धागा लपेटेंगे 5 फंदों पे, 2 और ये 3। उल्टी तरफ से हमें डिजाइन बनाना है, लेकिन हमने ये सीधी तरफ बनाना है। फंदे हमारे हो गए 3, ये हमने चौथा फंदा लपेटा 3 बार, ये हमने लपेटा 5वां 3 बार, ये हमारे 5 हो गए। इसको हम सिंपल बना देंगे। 5 के बाद एक फंदा हमने सिंपल बनाना होता है, लेकिन बनाएंगे उसको सीधी तरफ से ही। 1, ये 2 हमारे फंदे हो गए, ये हमने 3 बार लपेटा, ये फंदे हमारे हो गए यहाँ पे। आप देखिए सिंपल वाला है और ये 3 है। ये हमने चौथा फंदा लपेटा 3 बार, और ये हमने लपेटा 5वां फंदा, ये देखिए। फिर से हम एक बीच में सिंपल बनाएंगे। फिर से हम ये 3 बार धागा लपेटेंगे। एक फंदा बनाया हमने, 2 बनाए,
तीन बनाए, चार, और ये हमने पांचवा, एक फिर हम सिंपल बना देंगे। फिर से हमने वही रिपीट करना है, तीन बार धागा घुमा के हमने पांच फंदे बनाने हैं। दो, तीन, चार और ये पांच। फिर से हम एक फंदा बीच में सिंपल बनाएंगे और फिर से हमारे ये एंड के पांच फंदे हम ऐसे ही लपेटेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, और ये फंदा हमारा हो गया। इसको हम सीधा बना देंगे। ये देखिए, ये पूरी रो हमारी हमने तीन बार धागा लपेट के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, अब हम आते हैं डिजाइन की राइट साइड में। अब ये हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको तो हम बना लेंगे सीधा, और ये जो पांच फंदे हैं इनको हम एक बार इनको हम खोलेंगे। तीन, चार और ये पांच, पांच बार हमने खोल दिए। धागा हमारा पीछे है, ध्यान से देखिए, धागे को हम आगे लेके आएंगे और ये फंदे हम पांच इस सिलाई में डाल लेंगे, और फिर से हमारा धागा ये पीछे जाएगा और फिर से हम इसमें डाल लेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे, फिर से हमारा धागा आगे आएगा, फिर हम इस फंदे को एक बार इसमें डाल लेंगे, फिर हमारा धागा पीछे जाएगा और फिर हम इसको इसमें डालेंगे। थोड़ा सा आप इसको टाइट रखिएगा और फिर हम इस फंदे को अपनी तरफ धागा करके इसको उल्टा बना देंगे। फिर हमारा धागा पीछे जाएगा। देखिए, हमारा फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया। अगली बार देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा हमारा पीछे है, धागे को हम आगे लेके आएंगे, इन फंदों को हम इसमें डाल लेंगे लेफ्ट वाली में। सारे फंदे हमारे इसमें डलने चाहिए, कोई छूट ना जाए। फिर से हम धागा पीछे लेके जाएंगे और इनको इसमें डाल लेंगे पांचों फंदों को। फिर हमारा धागा आगे आएगा, फिर हम लेफ्ट वाले नीडल में ले लेंगे और धागा हमारा पीछे चला जाए। देखिए, दो बार हमने ये इस पे लपेटना होता है और आगे धागा करके हम इसको उल्टा बना देंगे। फिर हमारा धागा पीछे जाएगा, यही हमने पैटर्न रिपीट करते जाना है। ये देखिए, सारे हमने इसमें उतार लिए, धागा हम आगे लेके आए, इस नीडल में हमने ये सारे ऐसे उतार लेने हैं, फिर धागा हमारा पीछे जाएगा, फिर हम इसमें ले लेंगे, फिर धागा हमारा आगे आएगा, फिर से हम इसको लेफ्ट वाले नीडल में ले लेंगे, धागा हमारा पीछे जाएगा, फिर हम इसमें डाल के धागा आगे करके और इस वाले को हम बना देंगे। फिर हमारा धागा पीछे जाएगा, फिर ध्यान से देखिए, बस यही पैटर्न हमने पूरे डिजाइन में रिपीट करते जाना है। देखिए, फिर हम धागा आगे लेके आएंगे, ये सारे फंदे लेफ्ट वाले नीडल में डाल लेंगे, फिर धागा पीछे जाएगा, फिर हम इनको राइट नीडल में ले लेंगे, फिर से हमारा धागा आगे आएगा, सारे ही फंदे हमारे इसमें हमने इसमें डालने हैं,
फिर धागा पीछे जाएगा। ये देखिए, दो बार हमने ये धागा लपेटना है और तीसरी बार हमने ये उल्टा बना देना है। फिर से देखिए, पांच फंदे हमने खोले, धागा हमने आगे किया, ये पांचों फंदे हम अपनी लेफ्ट वाली निडल में डाल लेंगे, फिर से धागा हम पीछे करेंगे, फिर हम धागा आगे लेके आएंगे, फिर हम इनको एक बार फिर से हम इसमें डाल के धागा पीछे करके थोड़ा सा, इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना, थोड़ा सा हल्के हाथ से इनको बांधना और आगे करके इसको हम उल्टा बना देंगे। फिर धागा पीछे जाएगा, फिर से हम एक दो तीन चार पांच फंदे खोल लेंगे, फिर धागा हमारा आगे आएगा, पांचों फंदों को हम इस निडल में ले लेंगे लेफ्ट वाली में, धागा पीछे जाएगा, देखिए फिर से धागा हमारा आगे आएगा, इनको हम लेफ्ट वाली में ले लेंगे, फिर हमारा धागा पीछे जाएगा, देखिए फिर से हम इसको उल्टा बना देंगे। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हम रोंग साइड में हैं, लेकिन रोंग साइड में हमने सीधी तरफ से इनको बनाना है। सारे फंदे हमने एक एक करके ऐसे इनको बना देना है, ध्यान से बनाना, एक एक फंदे ऐसे आप इनको बना दीजिए। इसको भी हम सीधा ही बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, फिर इसको भी हम सीधा बनाएंगे। फिर से हम ये एक एक फंदे आराम से आप खोलना, इसको ऐसे हमने एक एक करके बना देना है। इसको भी हमने सीधा बनाना है, एक दो तीन, देखिए ये पूरी रो हमने ऐसे ही सीधी सीधी बना के इसको कंप्लीट करना है। उल्टी साइड है लेकिन हमने इसको सीधा बनाना है। ये सारे ही फंदे हम ऐसे बना देंगे। देखना फ्रेंड्स, हमारा ये फ्लावर बनके ये कंप्लीट होए। आप इनको ज़रा से ऐसे नीचे से आप इसको कर दोगे तो ये हमारा बिल्कुल ये सेंटर में फ्लावर आ जाएगा। ये देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है ये फ्लावर। जब दिखेगा पूरा तब हम इसके ऊपर, मैं आपको एक उतार के दिखा देती हूँ। अब हम अपना बेस कलर, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, ये मैंने इसमें वाइट ले रखा है। आपका कोई भी बेस कलर हो तो डिजाइन कंप्लीट होने के बाद सीधी सीधी तरफ से एक सीधी, फिर उल्टी, फिर एक सीधी और एक उल्टी, चार आप रो बना के कंप्लीट कर लेना। फिफ्थ रो में फिर आप जो भी आप अपना कलर चेंज करना चाहो, आप फिफ्थ रो में अपना कलर चेंज कर लेना। थोड़ा सा फिफ्थ रो बनाओगे डिजाइन के बाद, जब आप ये बनाओगे रो, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाना, थोड़े से लूज हाथ से, फिर ये हमारे फ्लावर खिले खिले बनेंगे। टाइट बना दोगे तो ये इतने खिलेंगे नहीं। देखिए, मैं आपको ये रो कंप्लीट बना के दिखाऊंगी कि फ्लावर हमारे कैसे बने हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, या आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हो, बेबी फ्रॉक में, जैकेट में, किसी भी चीज़ में आप इसको डालोगे,
आप चाहो तो इसको कलरफुल मल्टी कलर में बना लेना, आपकी चॉइस है। आप इसको दो रंग में भी बना सकते हो और आप इसको सिंगल कलर में भी आप इसको बना सकते हो। ये देखिए, ये रो हमारी सीधे सीधे बन के ये देखिए इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, ये मैंने इसमें नीचे ये वाइट का बेस लिया है। आप अपनी चॉइस से कोई भी आप नीचे लाइट का रखोगे तो आप उसके ऊपर कलर, बस आप ध्यान रखना कॉम्बिनेशन का। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गया। अब इसके बाद एक उल्टी रो बनाना, फिर एक सीधी और एक उल्टी, और फिफ्थ रो में आप अपने ये डिज़ाइन जैसे मैंने स्टार्ट किया है ऐसे ही आप इसको स्टार्ट करना। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।